कोतवाली पुलिस थाने में एक महिला और युवक के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर 3,60,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने धोखाधड़ी के पीड़ित युवकों की रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा के मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली सीआई महेंद्र कुमार ने बसंत बिहार सीकर निवासी मोहम्मद असलम ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट दी कि मोहम्मद असलम, मोहम्मद सुहैल और मोहम्मद शुएब निवासी सीकर को मजदूरी के लिए विदेश जाना था। उसके रिश्तेदार ने मकसूदा ने बताया कि चोरू में नई सड़क निवासी अरशद खान कामया खानी विदेश भेजने के काम करता है। नई सड़क निवासी अरशद काफी दिनों से पहले उनके पास सीकर बस स्टैंड पर आया, जहां तीनों को दुबई में पैकिंग कंपनी में नौकरी दिलाने की बात कही। तीनों से 3,60,000 रुपए ले लिए। उनको कहा कि आपको दुबई में 3 घंटे ओवर टाइम का वेतन अलग से मिलेगा। तीनों व्यक्ति अरशद और मकसूदा के झांसे में आ गए और रुपये दे दिए, जिसके एवज में अरशद खान ने उनके टिकट और वीजा दिए। जब तीनों व्यक्ति वीजा सहित दिल्ली के लिए रवाना हुए, तब रास्ते में उसके पास अरशद खान का फोन आया कि उनकी टिकट अभी कंफर्म नहीं हुई है। शक होने पर अरशद द्वारा दिए गए वीजा की फोटोकॉपी दुबई रहने वाले जानकार के मार्फत जांच करवाई तो तीनों की वीजा नकली और फर्जी पाए गए, जिस पर अरशद और मकसूदा से रुपये की मांग की तो दोनों ने इनकार कर दिया। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।